ये प्रियकांजू मंदिर है, जिसे लोटस टेंपल भी कहा जाता है, या देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा बनवाया गया मंदिर है। इस मंदिर में राधा कृष्ण जी की एक पावन मूर्ति है। अब बहुत ही अच्छा दृश्य है इस मंदिर का। जब हम लोग घूमते हैं तो यहाँ पर जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वह मन लुभा लेती हैं। जैसे कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति बहुत अच्छी मूर्ति है, इसको मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, लेकिन बहुत ही अच्छा दृश्य। ये देखिए यज्ञशाला है ये। यहाँ से हम लोग ऐसे घूमते हुए जाते हैं तो सामने इस मंदिर में एक गुफा है। देखिए ये देखिए सामने ब्रज गुफा इसे बोलते हैं। बोलो श्री राधे 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 राधे। बोलो श्री राधे 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 राधे। हम लोग जिस समय गए उस समय ब्रज गुफा बंद थी। ब्रज गुफा का खुलने का समय शाम को 4 बजे है। 4 बजे ब्रज गुफा खुल जाती है। इस ब्रज गुफा में कृष्ण जी की जितनी लीलाएं हैं सबका वर्णन संक्षिप्त में है। तो कभी भी वृंदावन में आप प्रियकांजू मंदिर जाइए तो इस गुफा का आनंद जरूर लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि यह मंदिर देवकी नंदन जी का बनाया हुआ है, तो देखिए उनकी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। और यह देखिए बहुत ही अच्छा फुहारा है जो कि मंदिर के ऊपर स्थित है। मंदिर काफ़ी ऊंचाई में है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये एक मंदिर यहाँ पर छोटे चारों कोने में छोटे छोटे मंदिर बने हैं। ठीक ये देखिए नीचे शंकर जी की बहुत अच्छी मूर्ति है, दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि रिकॉर्डिंग करना यहाँ पर मना है। बाकी आप मंदिर देखिए बहुत, यानी रात को इसकी लाइटनिंग बहुत अच्छी, जैसा प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर जैसा तो नहीं लेकिन हाँ इसकी लाइटनिंग बहुत अच्छी है। रात में आप देखिए मंदिर में लाइटनिंग होती है। यह एक मंदिर है, ये हमारे छोटे उस्ताद घूम रहे हैं, इनका नाम परी है, परी ब्लॉगर। ये देखिए हमारे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी, बहुत ही भव्य प्रतिमा है। इसमें आपको कैमरे में तो ऐसी लग रही है लेकिन आप सामने देखिए, ये देखिए चारों तरफ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की होर्डिंग्स लगी हुई हैं। बहुत ही अंदर का दृश्य बहुत अच्छा है लेकिन कैमरा ले जाना मना है, नहीं तो आपको अंदर का दृश्य दिखाता। बहुत ही सुंदर और मनमोहन दृश्य है। मैं जो अगला वीडियो आपके में डालूँगा, इस अपने ब्लॉग में डालूँगा, तो वह वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको ब्रज गुफा का संक्षिप्त वर्णन होगा जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं श्री निर्भक मंदिर है। ये देखिए यहाँ से ये मेन एंट्रेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आते वक्त आपको नहीं दिखाया था। यहाँ पर एंट्री फीस कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। यह वृंदावन में स्थित मंदिर है, बहुत ही मनभावन मंदिर है और काफ़ी ह्यूज एरिया बना है। इसके बगल में श्री प्रियकांजू की धर्मशाला है, यहाँ पर लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आरती होने के समय 12 बजे, 12:30 करीब आरती होती है, उसके तुरंत बाद दिन का भोजन बांटा जाता है। तो जैसे कोई भी आए यहाँ पर रुके तो रुक सकता है और खाने पीने की उच्चतम व्यवस्था है ठाकुर जी महाराज जी के धर्मशाला में। धन्यवाद।